नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे फास्ट हिंदी न्यूज़ चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। ओपिनियन पोल, बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, 100 के भीतर सिमट सकता है महागठबंधन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर जारी है। 10 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजे चाहे जो हो, लेकिन लोक नीति सीएसडीएस के ओपिनियन पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन दूसरे स्थान पर होगा, हालांकि उसके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। ओपिनियन पोल के परिणामों के मुताबिक बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 133-143 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 88-98 सीट, एलजीबी को 2-6 सीट और अन्य को 6-10 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन की अगुवाई आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बिहार में 38% लोगों ने एनडीए पर फिर भरोसा जताया है। वहीं 32% लोग चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, जबकि 6% लोगों का मानना है कि राज्य में एलजेबी की सरकार बननी चाहिए। ओपिनियन पोल के दौरान लोगों से यह जानने की कोशिश की गई थी कि बिहार में चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए। लोगों को विकास, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और शिक्षा का विकल्प दिया गया था, जिसमें 29% लोगों ने माना कि विकास चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जबकि 20% बेरोजगारी, 11% महंगाई और 6% गरीब और 7% लोगों ने शिक्षा को चुनावी मुद्दा माना। तो दोस्तों, ऐसे ही फास्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।